सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त के सामने झुका नहीं जाता, बस वक्त से सीखा जाता है। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतर ही होती है। कमियां सब में होती है, लेकिन नजर सिर्फ दुष्टों में आती है। उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 26 जून 2022 दिन रविवार, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र दोपहर 1:06 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:31 से 7:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 26 जून 2022 दिन रविवार, अभी आप आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। अकेले रहने के लिए समय निकालें। पारिवारिक चिंताएं जो शायद दादा दादी से जुड़ी हुई है आपके दिमाग में होगी। आराम करें और सपने या अपनी और चेतना द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को देखें। अपनी देखभाल में बिताया समय हमेशा अच्छा गुजरता है। आज का दिन मिलने जुलने का है। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गिले शिकवे दूर होंगी। आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतें भी आपको हताश नहीं कर सकती। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हमेशा आपकी प्रशंसा करे, सच्चा दोस्त वो है जो हमेशा आपको सही राय दे। आज किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता बनी रहेगी जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों की सलाह भाग्य उदय दायक साबित होगी। कोर्ट केस में भी स्थिति में आपके पक्ष में होने के योग हैं। जिन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिल रहा है उन प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जितना अधिक डिसिप्लिन बनाए रखेंगे उतना ही मन मुताबिक काम होगा। भावनात्मक रूप से खुद को स्थिर रखें। करियर को किस दिशा में ले जाना है ये बात पूरी तरह से आपके हाथ में है। अभी समय का उचित उपयोग करें। पार्टनर संबंधित लिया निर्णय तकलीफदायक साबित होगा लेकिन भविष्य में ये निर्णय सुख शांति प्रदान करेगा। सावधानियां, निवेश संबंधित कार्यों को फिलहाल टाल दें। इस समय रुपए पैसे संबंधित कोई भी निर्णय लेना नुकसान देगा। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आप किसी साजिश या षड्यंत्र में उलझ सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। तन्हाई या अकेलेपन से बचने के लिए अपने दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। अपने और अपने साथी के बीच में दूरियां ना आने दें। धोखे या ठगी से बचने के लिए अपने साथी की सलाह अवश्य लें। ध्यान रखें रिश्ते में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर लें। आज सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है और भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। आप किसी समूह या संगठन का हिस्सा बनेंगे और लोगों से घुले मिलेंगे। किसी सरप्राइज या खास अवसर के लिए तैयार हो जाएं। आपका साथी पूरी तरह से समर्पित है और उसकी यही भावना आपको बेहद पसंद है। बात करते हैं करियर की। आज दीर्घकालीन निवेश ना करें, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उचित है। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजें। दान करने या नॉन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। दोस्ती के लिए आज का दिन अच्छा है। आवेग में आकर आप नियमों को तोड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। आप समझदार हैं और समान विचारों वाले लोग आपको अधिक आकर्षित करते हैं। पुराने दोस्तों से फिर से बातचीत करना एक अच्छा विचार है। पार्टी और लॉन्ग ड्राइव भी आज आपके कार्ड्स में हैं।
बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक मेहनत की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत रहेगी। समय समय पर उचित आराम लेना भी आवश्यक है। घुटनों की समस्या भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।